हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेक माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, काफ़ी एक हफ्ता के बाद मैंने ब्लॉग शूट कर रही हूँ और मौसम इतना ठंडा गर्म कर रहा है, कभी ठंडा तो कभी गर्म। इसलिए दोनों बच्चों का भी थोड़ा सा जुकाम हो गया था और मेरा तो इतना सर में दर्द था कि क्या बोले, ब्लॉग शूट करने का मन ही नहीं था। थोड़ा बहुत लीव कर लेते थे। और अभी सुबह के बज चुके हैं 11 और मेरा अभी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तभी मैं खाना नहीं बनाई हूँ, लंच बनाऊंगी। और सुबह ब्रेकफास्ट में उसके पापा को भुंजा परोठा बनाकर दे दी, वो चले गए हैं। और बच्चे लोग अभी थोड़ा सा खेल खे, मिस्कू को मिस्कू हाय बोल दो। तो मिस्कू क्या खा रही है? तो मिस्कू खा रही है मैड एंगल। चीकू हाय बोलो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो अभी मतलब बारिश का मौसम ऐसा कर रहा है, कभी धूप तो कभी छांव, कपड़ा भी ठीक से सूख नहीं पा रहा है। तो छत पे तो दो तल्ला पे डाल रहे, कभी धूप हो जाता है तो कभी बारिश, दौड़ के कौन जाएगा आने और लाने। तो ऐसी बरांडा में डाल देती हूँ तो सूख जाता है, मतलब कल डालती हूँ तो सुबह तक सूख जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ला कर अभी चेयर पर रखी हूँ, उसको फोल्ड करूँगी और अभी भी सारा काम करके डाली हूँ बरांडा में। चले दिखाते हैं आप सबको। और अभी भी बारिश हो रही है, अभी कपड़ा डाल दिए हैं सूखने के लिए, पानी पूरा उसका गल जाएगा। सुबह तक हल्का धूप आता है तो बरांडा में तो सूख जाता है। आज मैं आप सबसे एक नमकीन का रेसिपी शेयर करूँगी और मैं स्टोर कर लेती हूँ बना के घर पे ही, क्योंकि बच्चे लोग को भी अच्छा लगता है और दोनों अच्छा से थोड़ा बहुत दे देते हैं। मिस का उसी में मतलब लगी रहती है और खाती भी है और खेलती भी, तो वही बना कर रख लेती हूँ। तो चाय के साथ भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है और अच्छा भी लगता है। नमकीन चाय के साथ, नमकीन हो तो चाय का मज़ा ही कुछ और होता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा आज का रेसिपी और आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक और कमेंट, और मेरे चैनल पे जो न्यू फैमिली है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो पर ढेर सारा प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं नमकीन बनाने के लिए 400 ग्राम मैदा ली हूँ और उसमें नमक और अजवाइन ऐड करूँगी। तो नमक अजवाइन ऐड करने के बाद अच्छा से उसको मिक्स कर देंगे और उसको मिला देंगे अच्छा से। और मिलाने के बाद इसमें मैं रिफाइन ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए 50 ग्राम रिफाइन ऐड कर रही हूँ। तो इसको अच्छा से मिलाएंगे, इसको जो मोम दे रहे हैं हम तो उसको पूरा अच्छा से मिला लेंगे ताकि बूटी बूटी ना रहे और अच्छा से मिक्स हो जाए। और इसको डो हम गर्म पानी से रेडी करेंगे, और ठंडा पानी से करने से क्या होता है कि डो रेडी अच्छा नहीं होता है और इससे क्या होता है कि नरम भी हो जाता है, सॉफ्ट भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, गर्म पानी से इसी प्रकार से डो रेडी कर लेंगे, हल्का हल्का पानी दे दे करके। तो देखिए कितना अच्छा डो रेडी हो गया है, और फटाफट बेल लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, चौकी पे मैं गोलाकार में बेल लूँगी। एक्चुअली क्या है ना, मेरा किचन में ना ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए मैं नीचे ही बनाती हूँ कुछ अगर बनाना होता। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से मैं बेल लेंगे। अब बेलने के बाद इसमें थोड़ा सा रिफाइन डालेंगे तेल से मिलाकर चारों बगल से, और उसमें थोड़ा सा मैदा छीट देते हैं। इससे क्या होगा कि जो रोलिंग करेंगे वो अलग अलग से हो जाएगा और देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से रोलिंग करके और उसको कट करेंगे। तो देखिए, रोल आकार में करके थोड़ा सा इस प्रकार से कट करेंगे। कट करने के बाद बीच से इसको पुश करके एकदम कचौड़ी की तरह छोटा छोटा बेल लेंगे। इसको बेल करके इसी प्रकार से सब रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस शेप में, गोल शेप में दे रही हूँ। तो यहाँ पे
इस प्रकार से बनाकर सारा रख लेती हूँ। और दूसरा भी नमकीन का डिज़ाइन बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार गोल बेल कर और पतला पतला इसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। तो घर में अगर बच्चा लोग को अगर दुकान से अच्छा है कि घर में बनाकर दे दो खाने के लिए, तो ज़्यादातर मैं होममेड ही यूज करती हूँ। नमकीन वगैरह खाने का मन हो तो घर पे बना लेती हूँ और बच्चे लोग भी खुश हो जाते हैं, चिकू को बहुत पसंद आता है। तो मिस्का को भी दे देती हूँ, थोड़ा थोड़ा चिल्लाते रहती है, खाते रहती है, खेलते रहती है। देखिए इस तरह कट कर लेंगे हल्का तिरछा करके, तो इस डिज़ाइन में कटिंग करेंगे। ऐसे कटिंग भी अच्छा रहता है, एक चारकोल साइज में भी आता है। तो इस तरह कट कर लेंगे और कट करने के बाद फटाफट इसको तल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई बैठा दी हूँ और तेल ऐड कर देते हैं। तेल ऐड करने के बाद देखिए इसका टेम्परेचर चेक करेंगे कितना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मीडियम फ्लेम में था, तेल गर्म हो जाए तो एक एक करके डाल देते हैं इसमें और चलाते रहेंगे। तो देखिए कितना अच्छा ऊपर खिल के आ जा रहा है और बहुत अच्छा बनता है। आप सब भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा लगता है। इसको चाय के साथ चाहे ऐसे ही खा सकते हैं नाश्ता में, और इवनिंग में भी चाय के साथ, तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरह से बन के रेडी हो जाता है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है, 5-10 मिनट में बिल्कुल नमकीन क्रिस्पी एकदम बन के रेडी हो जाता है। तो देखिए इसी तरह घुमाते रहेंगे, उलट पलट करके हल्का ब्राउन होने तक निकालेंगे। देखिए कितना अच्छा खुल जा रहा है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी प्रकार से घुमाते रहेंगे, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो देखिए कितना अच्छा बन चुका है, लगभग 1 मिनट लगता है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, और फटाफट बन के रेडी भी हो जाता है। तो देखिए कितना अच्छा, अब इसको निकाल लेते हैं। और इसी प्रोसेस के साथ सारा निकालने के बाद देखिए यहाँ पे नमकीन भी जो दूसरा वाला डिजाइन था, तो इस तरह निकाल लेते हैं। और ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं की हूँ ताकि बहुत लंबा हो जाता। तो देखिए इस तरह नमकीन को हल्का ब्राउन होने तक निकाल लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो देखिए मेरा नमकीन बन के रेडी है, हो गया है। तो घर कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्यारा सा लाइक एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो देखिए मेरा रेडी हो चुका है, इतना खास्ता है कि मतलब क्या बोले, हाथ में लेने से ही नहीं हो जा रहा। तो ओके फ्रेंड।